आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर पहुंचे। यहां उन्होंने करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने ग्वालियर, चंबल और मध्य प्रदेश को अपने पसीने की बूंदों से सींचा है, वहीं कांग्रेस आएगी तो क्या लाएगी। मंत्री सिंधिया ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कांग्रेस सिर्फ चुनाव के समय पूरे देश में नया विषय उठाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने जनता से प्रदेश के विकास की रफ्तार बरकरार रखने के लिए भाजपा की सरकार बनाने की अपील की। और कोरोना काल को अगर आप निकाल दो तो 15 महीनों की ये सरकार, कोरोना काल के बाद भारतीय जनता पार्टी को सरकार में केवल 15 से 18 महीने मिले। 2020 से 2000 मान लो आप 22 के जनवरी तक कोरोना का ही वातावरण संपूर्ण विश्व में था। 15 से 16 महीने भारतीय जनता पार्टी को मिली है। और मैं चाहूंगा कि आप लोग स्वयं विश्लेषण कर लो, आप लोग बुद्धिजीवी हो, आप लोग एक में से एक मेरा मीडिया का भाई और बंधु, हजार लोगों के समान कम से कम है, और आप स्वयं मूल्यांकन करो कि 15 महीने में क्या अकाल विकास और प्रगति की समूचे मध्य प्रदेश में और ग्वालियर चंबल में रही।